There has been some very famous tongue twisters like Kacha Papad, Pakka Papad, followed by a very famous every household jingle, Karam Kurram Kurram Karam. So how much we love our legit Papad Bunny. The campaign featuring a Muppet Bunny was a turning point in the lives of many people. Srimati Pushpa Berry, Sanchalika of Sri Mahila Grihe Udyog, Legit Papad, Jabalpur. She has been honored with many awards and has been a guide, mentor, and help to many women and their families. It's wonderful to know how these women became substantial income earners by rolling papers. Aapka bahut bahut swagat hai, Pushpa ji. Aapka bhi dhanyawad. Who is Pushpa Berry? Aap bataiye hame apne bare mein. Aapki journey kaise start hui? And how you could make your empire so big? Let's talk about that. My journey to that, I was 10 years old. And I was actually 1934 born. And 10 years old, you know, so tab se mere ko man mein tha ke kuch na kuch karna chahiye. I come to this world, you know, to do something. Bilkul kide makado ki tarah nahi, mere ko nahi rehna. Pata nahi kyun, main aise baatein kiya karti thi. Aur meri friends bhi hairan the, pata nahi kyun bolti rehti hai. तो फिर उसके बाद मैंने जब भी मेरे को मौका लगता था मैं कुछ ना कुछ करने लगती थी. इसलिए मैं हमारा देश गुलाम था जब मैं पैदा हुई और 10 साल की थी. तो उस टाइम सुभाष चंद्र बोस आए थे मोगा में, मेरे बर्थ प्लेस में. तो मैंने सोचा कि मैं वहां मिलना चाहिए, मेरे को भी जाना चाहिए. और मैं चली गई बच्चों के लाइन में बैठ गई जाके. तो उन्होंने कहा कि एक देश सेवक सेना हम बना रहे हैं, वहां पे हम बच्चों को अभी से बंदूक चलाना और ये सब बॉम्ब फेंकना और ये सब सिखाएंगे. तो मैंने तो सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया. मैं कह नहीं, पहले तो मेरे को लगा दीजिए. तो उन्होंने फिर 3-4 महीने के लिए बंद कर दिया था. वर्किंग हिंदुस्तान में बंद थी जब लड़ाई का टाइम तो माहौल था. तो उन दिनों से फिर मैंने सीखना शुरू कर दिया. मैंने परेड करने सीखी तो शुरू किया उन्होंने. फिर कैसे बॉम्ब चलाते हैं वैसे, फिर जो भी उनका समानता से उसको यूज कैसे करना, क्या करना है, तो वो सीखती रही मैं जब भी मौका मिलता. तो फिर ऐसे मैंने करते करते मेरे को भी और आगे शौक बढ़ता गया कि अब मैं कुछ भी करूंगी. बस इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई. और आई वाज मैरिड वेरी अर्ली एंड वेरी यंग. आई वाज 17 and a half एंड आई गॉट मैरिड. और उस टाइम भी मेरे को लगता था मेरे को कुछ करना चाहिए. तो मैंने कुछ लड़कियों को रख रखा और उनको सिलाई सिखाने लगे कि तुम ये सीखो, ये ऐसे कढ़ाई करो, ऐसा करो. और आप ही मशीन रख के उसे कुछ कपड़े सिलने शुरू कर दिए और एक छोटा सा बुटीक घर में ही खोल लिया ड्राइंग रूम में. तो इस तरीके से मेरी जर्नी चलती रही कि बस छोटा छोटा काम करते रहे. और फिर ऐसे करते करते मेरे को मौका मिला तो जब 1974 में, तो तब तो मैं 47 ईयर ओल्ड थी, मेरे दो बच्चे थे. तो उस टाइम मेरे को मौका लगा कि फुल टाइम काम करने का. तो हमारे एक शांति भाई शाह यहाँ पे बहुत बड़े बिजनेस पर्सन थे और उनको पता लगा कि मैं भी ऐसा कुछ काम करती हूँ. और उनको बहुत शौक था कि महिलाओं को कुछ करना चाहिए. जब तक महिला इंडिपेंडेंट नहीं होती, कुछ नहीं करती, तो उनके घर में कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं. और उनको एक 5 पैसे के लिए या 5 रुपए के लिए उनको गाली खानी पड़ती थी. काम तो पैसे तो मिलेंगे क्या. इस तरीके से उनको लगता था, वो कोशिश करते रहते थे. कोई काम करता है उन लेडीज के घर चले जाना, उन्होंने बोला क्या करना चाहते हो, अब इसको कैसा बढ़ाना करते आते हो, इस तरीके से वो करते थे. तो कुछ जैन पीपल थे यहाँ पे जो कि ये कपड़े का काम करते थे, उनको पता लगा तो उन्होंने मुझे भी कहा कि आप आइए, आप हमारी हेल्प करिए. तो वहाँ उनके साथ करती रही. ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए. तो आज इन 1974 जब शांति भाई शाह, जिनका नाम था, वाज द फाउंडर ऑफ जबलपुर लिज्जत. एक्चुअली लिज्जत वाज बॉर्न इन बॉम्बे. छगन पापा ही वाज द फाउंडर. और जब इनको शांति भाई शाह को पता चला कि एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है वहां पे बॉम्बे में, तब उनको 9 साल शुरू हो गए थे. उन्होंने में 5-6 ब्रांचेज भी है उनकी. तो उन्होंने जाके परमिशन मांगी कि हमें परमिशन दीजिए, हम चाहते हैं कि जबलपुर में भी ऐसा कुछ काम शुरू हो जाए. तो वो कहते ठीक है. और उन्होंने लिख के दे दिया कि आपको परमिशन दिया है और आप
you can do on behalf of Lijat. You can make a policy matter and all that, and finance. You have to be independent. We will not pay you anything. तो हमने कहा ठीक है, हम थोड़े से पैसे लेके किराए का घर लिया 200-250 रुपए का, तो उस पर काम शुरू कर दिया करना का। तो लिज्जत वाज रिकॉग्नाइज वालों को काम करवाने के लिए, और लिज्जत के जो बहुत सी चीजें इतनी अच्छी एम एंड ऑब्जेक्ट्स है, जो मैं चाहती हूँ कि और भी जो आप लोग भी कुछ शुरू करो, जो आप सिखाओ किसी को, उसका एक एक एम में ये रखिए कि जो काम करे वो मालिक। ये शायद आपने पहले सुना ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो काम करे वो मालिक। उसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी काम करते हैं और जो आप करवाने वाले हैं और जो करने वाले हैं, वो जो जितना भी उसका मार्जिन प्रॉफिट रहेगा, अभी उनके काम के अकॉर्डिंग टू देयर वर्क यू नो दे आर पेड। जैसे कोई पापड़ बेलने वाली है, उसको जो आटा गूंदने वाली है, उसको जो झाड़ू लगाने वाली है, जो इवन द स्वीपर्स दे आर पेड द सैलरीज, नॉट सैलरीज या लेबर दे दीजिए, कुछ भी उसको कह सकते हैं आप। तो पर फिर उसके एंड ऑफ द ईयर ऑल दैट प्रॉफिट जो उसमें पैसा बचता था, उनके काम के हिसाब के अनुसार उनको फिर पे कर दिया जाता था। मतलब ये जो सबसे बढ़िया चीज थी, आज भी अगर फॉलो करने वाले कुछ लोग हों तो दे कैन बी वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि लेडीज जो काम करती है दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि हमारे को पैसा मिलता है जो हम काम करते हैं, तो हमारे को कोई परेशानी नहीं होती है। इस वक्त हमारी 10-15 महिलाओं से शुरू करके तो 3,500 महिला तक पहुंच गई। तो जब बस ऐसे कोर्ट के चलते रहते, और मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि कई लोग डिस्करेज हो जाते हैं, और डिस्करेज उनका, और एक इसका फायदा ही भी ये है कि डिस्करेज होना नहीं चाहिए। जैसे आप अपना मन पक्का कर लीजिए, अपना एम बना लीजिए कि मेरे को कुछ करना ही है, और आप गलत नहीं करना, आप उसको बिल्कुल फॉलो करना, सिंसियरली फॉलो करना, कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि जो काम करे वो मालिक, तो वो होना ही चाहिए। तो इसलिए फिर आप कहीं भी हार नहीं सकते हैं। और करते करते अभी ज्यादा महिलाएं आ गई हैं और बहुत अच्छे से संस्था चल रही है, पर बाकी जो चलता है चलता है, पर डिस्प्यूट क्या है कि वो उससे डरना नहीं चाहिए। उससे आप क्या कि ना दाएं देखिए ना बाएं ना पीछे, आप आगे ही देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे ही देखते जाइए, तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। पुष्पा जी बहुत अच्छा बताया कि जो काम करे वो मालिक, and I think this is the underlying statement of Lijat Papad's success. This is wonderful. Pushpa ji, papad ki companies to bahut aayi, aati hain, banate hain, chale jate hain, to Lijat Papad ka manufacturing process, uski uniqueness kya hai, why is it so tasty and so successful? Let's hear that. So, ek to itki quality ka bahut hai, quality, aur jo kaam karne wale unko iska fayda bahut hai. यहाँ तक कि जब देख के घर घर में माँ काम करती है, जब बहन काम करती है, तो और भी बहन भाई उसको फॉलो करते हैं, और इसलिए और भी और लोग बढ़ते गए। इवन दे कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन आल्सो, बॉयज आल्सो, दे आल्सो यू नो स्टार्टेड लर्निंग पापड एंड हेल्पिंग देयर मदर, और सम टाइम टू ब्रिंग देम बैक, टू ब्रिंग देम टू इंस्टीट्यूशन एंड टेक देम बैक होम आल्सो दे स्टार्टेड डूइंग यू नो। और पर इसका और भी फायदा ये है कि क्वालिटी मेंटेन की जाती है बहुत अच्छे से, और चेकिंग भी बहुत अच्छी होती है, और पैसा भी उनको खूब मिलता है। इतना तो मेरा ख्याल है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी शाखा को इतना पैसा नहीं मिलता जितना हुआ। अभी हमने 100 करोड़ रुपए हम बांट चुके हैं ऑलरेडी। एम किसी भी काम करने के, जो एम आपका सही है तो काम कभी फेल हो ही नहीं सकता राखी जी। उसको तो आपको एक सिंसियरली और बिल्कुल हार्डवर्क करना है, और क्वालिटी मेंटेन करनी है, और एम एंड ऑब्जेक्ट सब फॉलो करने हैं स्ट्रिक्टली, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। आपको कहीं भी नहीं पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। अगर आपने पक्का सोच लिया और आपने एक अपना मकसद बना लिया, एम बना लिया कि मेरे को तो ये करना ही है, नथिंग कैन स्टॉप यू, कैन ऑलवेज बी गोइंग अहेड, एंड आपको कोई परेशानी नहीं होती, बट आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना, आगे आगे देखना। दिस इज वेरी इंकरेजिंग कि आपने हमेशा जिन्होंने काम किया उनमें पैसा बांटा। आई थिंक सालों से जो प्रोसेस और क्वालिटी है, क्या उस प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आया है? नए इनोवेशंस करते हैं, नए प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करते हैं कि वैसा ही प्रोसेस चल रहा है? नहीं, बहुत हुए, बहुत। एक बताया ना आपको, 250-250 रुपए का मकान लेके हमने जगह ली, मिनिस्टर से कह के
और उसको फिर और जगह ली, वो भी छोटी पड़ने लगी। फिर सारी जो मशीनें थी वो सब रेजिडेंशियल एरिया में थी, तो आसपास के लोग भी तंग करने लगे, तो उसके लिए हमने इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा, दैट इज अबाउट 55,000 स्क्वेयर फीट, और उसमें सारी मशीनें लगाई। और जो भी चीज हमें अच्छी लगती थी घर खाने में, जैसे दलिया गेहूं का बहुत अच्छा लगता था खाने में, हमने सोचा ये क्यों नहीं मार्केट में डालते। फिर ऐसे 3-4 महीने सोचा कि खिचड़ी बनानी चाहिए, मल्टीग्रेन आटा बनाना चाहिए, मल्टीग्रेन खिचड़ी बनानी चाहिए, तो वो भी पीपल लोगों को पसंद आने लगी। हाँ, इंटरनल कभी कोई जिसको ज्यादा पसंद नहीं आती कोई चीज तो उसको बंद कर दो। फिर उसको पहले जैसे हम पिकल बनाना शुरू करना चाहते थे, पर पिकल का काम तेल का था, हमारी अपनी गाड़ियां हैं जो सामान लाके जाके देती है और लेके आती है पार्टी है उसको, तो वहां पे देखा हमने तेल का भी लीक कर जाना या कुछ पापड़ भी खराब हो जाने, तो हमने बंद नहीं किया, देख के शुरू नहीं होने दिया। इस तरीके से देख लेते थे भी क्या चीज लोग खाते हैं और क्या चीज अच्छी लगती है, तो उसको शुरू कर देना और उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना। जैसे दलिया बनाना शुरू किया, दलिया लोगों को बहुत पसंद आया, तो हमने बोला कि इसके बदले अगर रोस्टेड दलिया बनाए, हम घर ले जाके दलिये को पहले रोस्ट करते रखते हैं कि जैसे लाइफ लंबी भी हो जाए और खाने में भी अच्छा और जल्दी पक भी जाए, तो हमने रोस्टेड करने के भी शुरू कर दिया, दलिया को रोस्ट करना शुरू कर दिया, तो उसकी भी डिमांड आने लगी। बस यही कि हमारे जो सब एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है पीछे के, उनको स्ट्रिक्टली और अच्छे से फॉलो करना, और हमेशा अभी भी अब मानेंगे नहीं, मानते भी होंगे तो एक्चुअली अभी तक हम इसकी क्वालिटी के पीछे लगे हुए कि कौन सी क्वालिटी से अभी इतना क्या कम कर दें, कितने ग्राम हींग बढ़ा दें, कितनी देर काम ये नमक का कर दें वो कर दें, ताकि ये आगे आगे बढ़ता चला जाए। अभी तक भी नॉट सेटिस्फाइड, 47 ईयर्स, 48 हो जाएंगे फेब्रवरी में, 48 ईयर के बाद भी हम क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है जितना हमें होना चाहिए। कीप ऑन ट्राइंग, कल परसों से हमने और ट्रायल शुरू किया है, हींग का ट्रायल शुरू किया है कि ये हींग से ये वाली ज्यादा अच्छी लगेगी, इसका पापड़ ज्यादा टेस्टी है। फिर हम अपने कस्टमर्स को पता करते हैं, फिर जो हींग जो बना के दिया जिसने बन जाओ जहाँ से हम खरीदते हैं, फिर हम अपना पापड़ बना हुआ उनको भेजते हैं कि आप भी किसी का पापड़ खाओ, देखो उनका कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है, किससे ज्यादा अच्छी हींग की खुशबू आती है। तो इस तरीके से हम करते ही रहते हैं, आगे आगे ही आगे जाने का सोचते रहते हैं। तो क्या ये आपका सक्सेस मंत्र है पुष्पा जी? एंड क्या आपने इतने साल बिजनेस चलाया है और इतना सक्सेसफुल बिजनेस, आपको क्या लगता है सबसे सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है बिजनेस की? बस यही कि अपना लक्ष्य बना के उसके ऊपर चलते जाइए, उसके उसको उसको मत भूलिए, और ईमानदारी बहुत जरूरी है, सिंसियर के काम में भी, पैसे में भी, हर चीज में बहुत ईमानदारी बहुत जरूरी है, तो वो जो है वो छुप नहीं सकती है, वो तो सामने आएगी आएगी। पापड़ ट्रायल होता है हर रोज, पापड़ ट्राई किया जाता है, इसमें के नमक तो नहीं कम है, इसका तो ये है। अब जैसे अभी सारा ये बंद हो गया था, उसके बाद भी जब काम शुरू किया किस तरीके से काम किया जा सकता है, लेडीज को बस लेके दी, उसमें जाके उनको घर घर आटा देना, उसके बदले पापड़ लेके आना, वो ट्राई किया, पर वो करते करते हमें ज्यादा पसंद इसलिए नहीं आया कि इतनी सफाई से नहीं बना रही थी और इतनी क्वालिटी का भी ध्यान नहीं दे रही थी, पापड़ में कुछ ना कुछ कचरा निकल आना, क्योंकि बस में पापड़ लेना और रोशनी कम पड़ना, तो बहुत सी ड्रॉबैक थे, तो वो हमने बस कर बंद कर दिया कि ये सक्सेसफुल नहीं है, उसमें बस में ले जाना लाना। तो इस प्रकार से काम बंद ना हो और महिलाओं को काम मिलता जाए, रोटी रोजी मिलती जाए, अब वो सब अभी चलते ही जा रहा है। पर मुश्किलें तो आई, पर मुश्किल से डरना नहीं चाहिए, अगर आप रियली कुछ करना चाहते हैं ना, किसी मुश्किल से डरना नहीं चाहिए। तभी तो हमारे कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जा रो, तो फिर आप देखिए फिर क्या हो रहा था, आप आसमान में भी छेद कर सकते हो, यू कैन रीच द हाईएस्ट पॉइंट। एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल, एंड इतने अनुभव और एक्सपीरियंस से आपने ये बातें बताई हैं, इससे मतलब है आप अभी भी एट दिस एज एंड एट दिस लेवल यू आर टोटली इन्वॉल्व इन योर बिजनेस। आई थिंक दिस इज वंडरफुल। पुष्पा जी, इतनी महिलाओं को आपने रोजगार दिया है, इतने घरों को आपने इनकम बना के दी है,
इसके बारे में आप क्या एक स्पेशल मैसेज देना चाहोगे उन औरतों को जो अभी भी डरते हैं काम करने से? हमारे लीडर में जरूरत नहीं है, वो भी हमें चाहते हैं कि जब लेडीज को उसका फायदा है, क्या है कि हमारे लिज्जत को नहीं लग देना पड़ता एपीएफ। ईपीएफ जो है वी आर नॉट सपोज टू पे, क्योंकि दे आर द ओनर्स, दे आर नॉट द सर्वेंट्स, तो नहीं होना चाहिए। और जब हमने उन्होंने की जबरदस्ती लगा दिया, जब ये लगेगा ही, एंड वी कुंट वेंट टू द कोर्ट बट वी कुंट गेट इट फिनिश। उन्होंने फिर हमने बोला ठीक है लगा दीजिए, बट फिर हमने उसी अच्छाई ढूंढने शुरू कर दी। अब जो पैसा इनका ये ऐसा ही ईपीएफ का मिलता है तो उसका कितना फायदा हो सकता है? वो अब देखा हमने कि बहन दोनों के बच्चों की शादी होती है तो उसके वो पैसा निकाल सकती है। भगवान ना करे किसी के हो पर के जगह ट्रेजडीज हो जाती है, वाइफ की डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, दो बच्चों को पेंशन मिल रही है, जो भी उनके नियम बने हुए हैं अब वो सारे स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। एंड फॉर दैट दे डोंट हैव टू गो टू एन एडवोकेट एंड पे एन मनी। तो हमारी एक महिलाएं बैठी रहती है जो उनकी हेल्प करती है, उनको सारे पेपर भर के देती है और उनको पहुंचाती है और उसका पैसा उनको मिलता है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड मेकिंग अ पापड़ आल्सो। सुनने में लगता है एक पापड़ बनाना है, बट इतना ज्यादा उसकी एक स्टडी है। आई थिंक दिस इज वंडरफुल। पुष्पा जी, कभी भी आपको नहीं लगा इतने सालों में कि लोग आपको कॉपी कर लेंगे या जो महिलाएं आपसे सीख के जा रही है वो अपना खोल लेंगी, ये डर आपको कभी नहीं आया? नहीं नहीं, ये तो डर तब अभी भी, हमारे एक महिला आती थी, अब उसने अपना यहाँ से जो भी सीखा तो अपने जाके कुछ पैसे पैसे लगाएंगे तो अभी। और हमारी महिलाओं को ही लेके जाती है कि चलो तुम छोड़ो, तुम मेरे पास काम करो, जैसे तुम यहाँ पापड़ तोड़ने का काम करोगे वहां तुम्हारे को अच्छा काम दिया जाएगा, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बोलते चलो दो लोग के घर में और खाना बनेगा, चार लोग और पल जाएंगे, तो इसलिए हमें तो क्या तकलीफ है, मेहनत करनी उन्होंने एक, और खाना तो बहुत ही जरूरी चीज है ना, इसलिए हमें तो खुशी होती है। हम कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते, तो लेडी अभी भी कब मिलने आ जाती है कभी कभी कभी। अब दिवाली है, दिवाली में विश करने जाते हैं दीदी को, दीदी कैसी है क्या है, तो ऐसे करके अभी भी आते हैं, हमें उसकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि और लोग पलते हैं ना उससे, कोई तो नुकसान तो नहीं हो रहा, ये हमारी सोच है। तभी शायद आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि ऐसी सोच होना ही आई थिंक एक बहुत बड़ी कामयाबी है अपने में ही। नए ब्रांड्स आते रहते हैं पापड़ के, नए नए कंपनीज आती रहती है, नए ब्रांड्स आते रहते हैं, रोस्टेड आ जाते हैं, बने बनाए पापड़ के ब्रांड्स आ गए हैं। आपको कभी भी चैलेंज फील नहीं हुआ कि हमारा लिज्जत नहीं चलेगा या व्हाट इज द कॉन्फिडेंस, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द कॉन्फिडेंस? हमारा तो मतलब है कि काम करना और किसी को फॉलो नहीं करना और क्वालिटी अच्छे से अच्छी बनानी, बस हम अपने काम के ऊपर ही मतलब रखते हैं, उसी के ऊपर जोर देते हैं। हमें कोई डर नहीं है कि कोई लिज्जत के नाम से जो कोई गलत करे, जैसे पर ये है कि उन्होंने जो मोनोग्राम वगैरह ये देखना अभी, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी तो सबने अपनी अपनी किस्मत का खाना, हम तो यही सोचते हैं कि उन्होंने अपनी किस्मत का मेहनत का खाना, तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। जिसकी और किस्मत अच्छी होगी हमारे साथ काम करना चाहते थे, वेलकम, और अगर उनको दूसरी जगह अच्छी लगती है तो बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कोई कभी मन में ख्याल नहीं आया आज तक भी कि वो क्यों फोन दे, वो क्यों अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं ज्यादा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मेहनत करिए और खाइए, उसमें आपको क्या तकलीफ। मैं कहती हूँ कि अगर और महिलाएं ये काम करना चाहती हैं और अभी उनको कुछ और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हम अभी भी उनको दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई फायदा ही है ना, अपने अपने देश के बच्चे और अपने लोग जो पलते हैं आगे आते हैं, तो उसका फायदा ही है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। सबने अपनी किस्मत का खाना, जिसने मेहनत करनी है तो करेंगे और खाएंगे, इसमें क्या, हमारा तो कुछ नहीं लेके जाते ना, वो अपनी मेहनत का खाने तो खाने दीजिए उनको। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बहुत सी बारीक और बहुत सी बड़ी बातें बताई हैं, एंड आई थिंक दिस इज द एक्सपीरियंस, ये इसको अनुभव बोलते हैं पुष्पा जी, क्योंकि इतनी उम्र में भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर भी आप आज भी सिखाने का जज्बा रखते हो, आई थिंक इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। दिस इज वंडरफुल। मैं तो कह रही हूँ कि हर महिला को बनना है, ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करना कि घर में बैठे रोटी बना रहे हो,
आप रोटी बनाने के बाद भी ये काम कर सकते हो। भाई कितनी महिलाएं 12-1 बजे तक काम करती है, फिर जाके अपने घर का भी करती है, फिर और भी काम मिलता है एक्स्ट्रा तो कहीं वो भी कर लेती है, तो उनको करना ही चाहिए काम। इसे काम करने में कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा। हमने कभी नहीं किया, जब एक्चुअली जब आई केम फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली एंड गुड फैमिली, पर मेरे को अभी मेरी सहेलियां कभी कहती थी अपने मन में सोचती होगी और कहती भी थी, क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें कान में जाने। और उन दिनों तो एक आठाने आठाने पापड़ बेलने के मिलते थे। जब 1974 में हमने शुरू किया, 1974 में काम शुरू किया, अगर आप 1 किलो पापड़ बेलेंगे, उन्हों आने चलते थे तो उनको 8 आने उनको देते थे, और मेरे को 12 आने लग जाते थे रिक्शा में आने जाने। तो मेरे को कहती थी, तो क्या 8 आने कमाने के लिए 12 आने खर्च करके आते हो? तो मैंने बोला, तो क्या 4 आने मैंने खर्चे है ना, 4 आने तो ऐसे ही खर्च लेते हैं अपने ऐसे लोग, तो 4 आने खर्चे कहाँ गए, 12 आने का कहाँ हुआ? तो इस तरीके से इस सोच रखो तो आप कर सकते हैं काम, कि एक दिन आएगा अपनी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, ऐसी बात नहीं है। अब शुरू से तुम सोचो कि मेरे को तो कम पैसे मिलते हैं और मैं बाहर जब वहां ज्यादा मिलते हैं और अब मैं क्या करूँ ये, तो वो नहीं सोच सोचनी चाहिए। तो कहाँ करना है तो करना है, एक काम करना है, एक एम बना लिया और एक लक्ष्य रख लिया सामने, तो ये करना है तो आप करते चले जाइए, और कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी जल्दी कहाँ से कहाँ पहुंच गए और कितने लोगों को और साथ ले लिया। बहुत ही गहरी बात आपने बोली है पुष्पा जी, कि नजर पैसों पे नहीं काम पर हो तो आप डेफिनेटली आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है। एंड आई थिंक दिस इज द एक्सपीरियंस दैट इज कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, एंड दिस इज ब्यूटिफुल। सेल्फलेस एंड मेटिकुलस मैनेजमेंट बाय पुष्पा जी हैज इनेबल्ड दिस लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वुमेन टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ एम्पावरमेंट। आपका बहुत बहुत थैंक्स है पुष्पा जी कि आपने हमें इतनी अच्छी बातें इतने सरलता से बताई, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। एंड हम विश करते हैं कि बहुत सी महिलाएं आगे आएं और आपके साथ जुड़ने का सोचें, और आप हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें जरूर सिखाएंगे। थैंक यू। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी सोचेंगे कि आप और महिलाओं को जोड़िए और उनको भी बातें बताइए, पर उनको ये मुश्किलों का नहीं बताइए आप, क्योंकि अगर आप ऑब्स्टेकल सोचने लगेंगे फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ जहाँ ये सोचोगे जो ऑब्स्टेकल तो बस आई गई है, आई और गई, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जहाँ तो इतना पक्का दिल रखिएगा, तो बाकी ऑब्स्टेकल छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते ही चले जाइए। कोई भी मुश्किल आए, कोई भी मुश्किल आए, जैसे आपको कहा था कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, बिल्कुल उसको फॉलो करिए, आप चाहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं।